सत्संगत लाहौर का रहने वाला एक जागीरदार बड़ा तगड़ा जागीरदार सी, इहदा नाम सी वजीर खान। वजीर खान इतिहास जो लिखता है कहिंदे जलोदर का रोग लग गया, जलोदर का पेट च पानी भर जाता है और इहदी पीड़ बड़ी डाढ़ी होंदी है, इहदी दर्द बहुत ज्यादा डाढ़ी। बड़ा इलाज कराया वैदा हकीमा तो गल बनी नहीं, गल बनी नहीं। जदों थक हार गया, माया बड़ी सी, थक हार गया। हुण साध संगत जदों दवा काम नहीं करती तो फिर बंदा दौड़दा दुआ वाले पास, आखो सतनाम, दुआ वाले पास। तो मैं एक बेनती करा, वाहिगुरु ना करे कदे रोग लगे, वाहिगुरु ना करे सत्संग सारे तंदुरुस्त रहो, गुरु नानक साहब कृपा रख। जदों अमृत वेले बैठो थोड़ा जा जल ले लिया, उस जल दे विच दुआ पा दिया करो, बाणी पढ़िया करो। सुखमनी साहब पंजां बाणियां दा नितनेम शब्द जाप दो ढाई घंटे बैठिया करो। दवा तां लगेगी, कई बारी दवा नहीं लगती सस, डॉक्टर परेशान हो जाता है, दवाइया बदल बदल के बदल बदल के बदल बदल के परेशान हो जाता। ओह दवाई जड़ी नहीं लगती सी तुसी हुण दुआ विच पा दिओ, तुसी बाणी विच पा दिओ, फिर उस जल दे नाल दवा सत्संग लो, दवाई लो, अरदास करके लो, सचे पातशाह कृपा करो, कृपा। जदों दवा च दुआ पै गई ना वह दवा कम करेगी जी, करेगी कम। यह मेरी अखी देखी गल है सत्संग, अखे देखी गल। साडे रिश्तेदारी दे विच बच्चा सत्संग एक वह रोगी हो गया जी, बच्चा सा करोना काल की गल है, करोना काल मरण किनारे पहुंच गया जी, मरण किनारे पहुंच गया। यकीन जाने सत्संग मैं गुरु की हजूरी मैं गल करन लगा जी, उस वार्ड दे विच जिन्ने बंदे आ रहे ने वापस मुड़दा होके जा रहे ने, उस वार्ड च पिया होया। हुण एक लाश जाती है दूजी जाती, हुण सत्संग जो बंदे सामने लाशां जा रही हैं वापस, जींदा बंदा आ रहा मुड़दा जा रहा, वो हाल की होएगा। हुण जिहड़ी दवाई दित्ती जा रही है वह लग नहीं रही, दवाई लग नहीं रही। जिहड़ा सत्संगत जिस हस्पताल दे उन्हूं रोकिया गया सी, रखिया गया सी, उतों सारे परचे ले गए दवाई दे भी कहड़ी कहड़ी दवाई इन्हों दी जा रही। तो उन्होंने एक डॉक्टर उन्होंने रिश्तेदार दे विचों बहुत तगड़ा डॉक्टर है, बहुत तगड़ा डॉक्टर अमृतसर, श्री अमृतसर साहब, उन्होंने परचा भेजिया कि देखो जी दवाइया ठीक चल रही, खबरें दवाइया ना ठीक चल रही हूँ। उन्होंने दवाइया देखिया, रोग देखिया, कहते दवाइया परफेक्ट ने, कहते फिर दवाई लगती क्यों नहीं पी, कहते दवाई तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल सटीक दवाई दे रहे हैं और राजी होना चाहिए जी। और डे बाई डे वो थले आ रहा, थले आ रहा, थले आ रहा, थले आ, मतलब इदा अगर थले आता जाता तो हो गया सी भी कम। परिवार ने जो दास ने नाल मेल किया, मैं कह लगे की करी, कहना आ आ माड़ा हाल होया पे, उस वार्ड च बंदे आ तो रहे ने जींदे पर जा रहे ने लाश बन के, तो साडा पुत्र भी उत्थे पिया है पर दवाई लगती नहीं पी, डॉक्टर भी हिले हुए ने। नौजवान बच्चा सास, नौजवान बच्चा हो, मैं क्या फिर करना की है, जे दवा काम नहीं कर रही ओए दुआ शुरू करो, ओही दवा तुहाडी लगनी शुरू हो जाएगी जदों तुहाडी दुआ गुरु नानक दे चरणा तक पहुंचेगी। आखो सतनाम, मैं क्या ओही ओही दवा, ओही दवा लगेगी, ओही दवा लगेगी तुहाडी, देखियो जदों गुरु नानक दे चरणा च तुहाडी दुआ आ गई। सत्संग पूरा परिवार बह गया जी अमृत, और बड़ा डाढ़ा नेम
जो गुरु नानक साहब ने सोझी दी, उन्होंने नेम दिता गया, बहुत डाटा नेम, बहुत डाटा, पूरा परिवार डटिया होया लग्या होया। उस बच्चे नूं भी नेम भेज दिता गया भाई तेरे को चल नहीं होंदा मूल मंत्र दे जाप चौपाई साहब दे जाप जो तेरे को ईजली हो सकता तू कर। घर वाला कला कला ईवन कि छोटे छोटे बच्चे भी सात संगत बाणी दे पैरा शुरू डटे हुए। यकीन जानना सात संगत वाहिद वो कला एक बंदा सी, मैं गुरु जी हुरी कह रहे जी वाहिद वो एक कला कला ओही एक बंदा सी जिहड़ा उस वार्ड चो जींदा बार आया जी, बाकी सारा वार्ड शमशान घाट गया जी सारा। फिर अगली गल सुनो, जदों बच्चा राजी होके घर आया, जिहड़े उन्हां दे डॉक्टर साहिबान सीगे ना अपना श्री अमृतसर साहब दे, उन्हां दा फोन आया जी, कहिंदे बच्चा आ गया घर, कहिंदे जी आ गया। फिर उन्हें गल दसी, कहिंदे जी अंकल जी जदों तुसी इस बच्चे की रिपोर्ट मैनू भेजी सी, कहिंदे मैं तुहानू कुछ नहीं बोलिया, ध्यान नाल सुनना, कहिंदे मैं तुहानू कुछ नहीं बोलिया सी, पर मैं अपने घर दी नूं अपने घर यही मैं विचार कर रहा सी कि ये नहीं बचता। आखो सतनाम भाई, जिस मुताबक इहदा इहदी इनफेक्शन वधदी जा रही है, जिस मुताबक इहनू साह लैण दी प्रॉब्लम, जिस मुताबक सतसंग जो उहदे सिमटम्स कहिंदे वर्स्ट कंडीशन आ चुकी है भाई, हुण ये नहीं बचता, कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए। कहिंदे ये मैं तुहानू नहीं दस्या सी कि तुसीं टुट ना जाओ, कि तुसीं टुट ना जाओ, कहिंदे पर असीं अपने घर यही विचार करते पे सी कि हुण वह वाहिगुरु रखण ते आवे ते रखे नहीं ते ये भी उधर ही जाएगा जिथे सारे गए ने। आखो सतनाम, ते किन्ने रखिया मेरे गुरु नानक ने, और कदों रखिया जदों ओही दवा दे विच दुआ शामिल होगी जी, दवा दुआ जदों शामिल हो गई ना दवा च गल बन गई, गल बन गई। कर्मा वाले हो बाणी दा आसरा तक के जदों चलांगे ना, ते साहिब आप कह रहे ने दुख रोग संताप उतरे, एक बार पढ़ो ना सारे, दुख रोग संताप उतरे कदों जी सुनी सच्ची, जदों तो बाणी नाल जुड़ गया ओए कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो। हुण इहनू इह महसूस होया कि हुण दवा नहीं काम कर रही वजीर खान, हुण मैं किसी को दुआ करवावां दुआ, ते किथे गया जी बड़े पुके महापुरख सत्संग उस वेले दे जिहड़े वली साई मियां मीर जी, साई मियां मीर जी को जिहड़े सत्संगत जिन्हां दी भगती सिरे तक पहुंची हुई सी, सिरे तक पहुंची हुई सी, पहुंच सी अल्लाह दी बारगाह तक उन्हां दी साई मियां मीर जी दी, और इस्लाम धर्म च बहुत सत्कार सी जी उन्हां दा, बहुत सत्कार सी, बड़े उन्हां दे मुरीद सन, बहुत मुरीद सन उन्हां दे। इह साई मियां मीर जी कोल गया, नतमस्तक होया, कहण लगा साई जी आ आ रोग है मैनू जलोदर दा, बहुत पीड़ा दे विच हाँ, बहुत दर्द दे विच, दवा कोई लगती नहीं पई, मेरी दुआ करो, तुसी दुआ करोगे कृपा हो जाएगी। ते साई मियां मीर जी हस के कहण लगे, कहिंदे वजीर खान इस वेले सृष्टि च रब आप आया होया। को सतनाम, कहिंदे रब आप, कहिंदे हां श्री अमृतसर साहब गुरु अर्जन देव जी दे रूप च रब आप आया होया, उन्हां कोल जा। आखो सतनाम, उन्हां कोल जा, ओ तेरा रोग कट्टणगे, ओ तेरा रोग कट्टणगे, ते जाके कह दई साई मियां मीर जी ने भेजी है, साडा नां उत्थे लै ली। सत्संग तुर पिया जी, लाहौर तो श्री अमृतसर साहब पहुंचिया महाराज, उस वेले थड़ा साहब ते बह के सत्संग, जो आप जी वेखदे हो दुखभंजनी साहब के नाल, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश के नाल ही थड़ा साहब है ना जी, उत्थे महाराज जी बह के सेवा करवाउंदे पे। जदों ये आया उत्थे सत्संग पहुंचिया,
दर्द ने नाल कुरलांदा पे चरना ते मथा टेकया कहिंदे जी मैं वजीर खान लाहौर तो इत्थे तक श्री अमृतसर साहब तक आया और बहुत मुश्किल दे नाल आया जी मैनू साई मियाँ मीर जी ने भेजिया है आप जिया को जदों साई मियाँ मीर जी का नाम लिया सत्संग ते साहब ने बड़ा सत्कार दिता जी पुगे महापुरख ने रंगे महापुरख ने कहिंदे आओ वजीर खान किवें साई जी ने भेजिया की गल होई कहिंदे जी जलोदर का रोग लगा पेट च पानी भरिया पे इलाज कराओ फिर जी बड़े इलाज कराए बड़ा दवा दारू गल बनी नहीं फिर जी साई मियाँ मीर जी ने आप जिया को भेजा कि वह इलाज करे तेनू राजी कर देंगे इदा क्या साई मियाँ मीर जी ने जी अच्छा वजीर खान ओ सामने बजुर्ग गुरमुख प्यारे नजर आ रहे ने जी जिन्हों के हाथ च खाली टोकरी है ओ मिट्टी दी भर के सुट के आए ने जी जाओ उन्हां कोल जाओ ओ तुहाडा इलाज करनगे उन्हां कोल जाओ ओ तुहाडा इलाज करनगे ते किन्हां वल इशारा कीता धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी आखो सतनाम सिखी दे थम सिखी दे थम सास यकीन जानना जो सिखी धन बाबा बुढ़ा साहिब जी ने कमाई सास संगत कौन कमा सकता एक सौ तेरह साल गुरु नानक दे घर दी सिखी कमाई बारह साल च गुरु नानक साहब दे कोल आ गए सब तो पहले गुरु नानक साहब दे कोल बाबा बुढ़ा साहिब जी सारे सेवक सिख बाद चे आए और कदे रोस नहीं कीता जी कि मैं सब तो पहले आया लैणा जी बाद चे आए ने तुसीं इन्हां नूं गुरदा गद्दी देती मैं तुहाडे घर की मिट्टी ढोंदा रहा कदे नहीं रोस कीता आप सगों सात संगत धन गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह ने तिलक इन्हां पासों लवाया सी गुरगद्दी का तिलक गुरता की सेवा इन्होंने निभाई सी धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु अमरदास जी किन्नी बाद च आए गुरु घर धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी कदों तो तुरदे पे कदे नहीं रोस किया गुरु अंगद साहब महाराज जी नू मैं इन्ना सीनियर हाँ नहीं तो जंग नहीं छिड़ जाती है जी मैं एडा सीनियर मैं एडा पुराना सेवक तो तुसी नवे आए नू देता लड़ाइया छिड़ जांदियां सात संगत जंग छिड़ जांदी है पर धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी सिखी कमाई सी जी कमाई सी इन कहते कमाणा तो जेड़ा कमा लैंदा सिखी मन नीवा होई जांदा नीवा होई जांदा इन्ना मन नीवा सी धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी का हुण जदों सात संगत वह वजीर खान तुरिया बाबा बुढ़ा साहब जी को ते हाथ जोड़ के ना अगे खड़ा हो गया जी बाबा बुढ़ा साहब जी उधरों आ रहे हैं ते हाथ जोड़ के खड़ा हो गया धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी कहन लगे कहिंदे हाँ भाई तू रस्ता रोक के खड़ा हो गए कहिंदे जी मैनू गुरु अर्जन साहब महाराज ने तुहाडे कोल भेजिया किस वास्ते कहिंदे जी मैनू जलोदर का रोग लगा है पेट च पानी बहुत दर्द बहुत पीड़ा हो कहिंदे फिर कहते महाराज जी ने तुहाडे कोल भेजिया कि वह इलाज करे वह ठीक करे आखो सतनाम तो ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी हस के कहन लगे कहते ओ प्यारे मालकां कोल जाईदा सेवकां कोल नहीं नौकरां दे कोल कुछ नहीं पिया हुंदा जो कुछ देना हुंदा वह स्वामी ने देना हुंदा नहीं महाराज स्वामी ने भेजे जो दूजी वारी क्या ना स्वामी ने भेजे आप धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी सत्संग हुण जो कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सेवा लाती है
ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਹੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਣੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਖਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਸਕ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਸਾਸਕ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਦੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਟੋਕਰੀ, ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ, ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਸੰਗਤ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਦਰਦ ਪਹਿਲੇ ਥੰਮਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਜਲੋਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਾਈਆ ਹਾਂ, ਘਾਈਆ, ਘਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਘਾਈਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਘਾਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ। ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸਾਧ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖਿਲਾਇਆ, ਕੰਧਾੜੇ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ ਚੜ ਕੁੱਦਦੇ ਰਹੇ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਸੀਸ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਸੰਗ ਛਲਕ ਪਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਾਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਘਾਈਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਹੋ, ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰੇ
जे हाँ किछ जानदा। बाबा बुढ़ा साहब जी की नहीं जानते सन, मैं नहीं क्या की जानते, की नहीं जानते सन, किन्ना रुतबा सी तन तन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी का, पर गुरमुख निमाणा। जिन्ना बंदा उच्चा हुंदा जावे ना, भावे गुणा करके, भावे माया करके, भावे भगती करके, भावे किसी रूप से तुसी उच्चे होंदे जाओ, उच्चे होंदे जाओ, जिन्ना उच्चे होंदे जाओ उन्ना मन नीवा आंदा जावे। आखो सतनाम दिवे सौ गोरा होए, गोरा कहिंदे उच्चे। इस घर च पढ़ाई ए जिवे जिवे नीवे आओगे उवे उवे महाराज उच्चे रुतबे तुहानू बख्शणगे। अपनी भी अरदास करो, ओ मेरे गरीब की भी अरदास करो सास, कि इथों जो बोलीए कमाईए, इथों बोलीए कमाईए, दासा भाव हिरदे च आवे सास, दासा भाव संगत की चरण धूड़ी बन के विचरीए सास, संगत की चरण धूड़ी बन के आपां विचरीए। गुरु नानक मेहर करन ये जिहड़ियां पढ़ाइयां सतगुर सानू पढ़ा रहे ने, हिरदे दे तल तों पढ़ीए, पढ़ के गुरु नानक दियां खुशियां प्राप्त करिए जी।